Next question. Question says the acceleration due to gravity on the planet A is 9 times acceleration due to gravity on planet B. A man jumps to a height of 2 meter on the surface of A. What is the height of jump on the by the same person on planet B? Again, simple सवाल है. यहाँ पे हम direct ये formula use कर सकते हैं. Again, यहाँ पे हम जो same principle use करेंगे कि अगर आपने गेंद को फेंका है u velocity से तो maximum height कितनी होएगी. उसी चीज़ को हम यहाँ मानेंगे कि वो बंदा जब कूद रहा है, so we will use the same principle. Although अगेन सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है बट सिमिलर पैटर्न है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ इंटरनल एनर्जी यूज़ करने के हमने उसे लॉन्च किया है. ठीक है, सो यहाँ पे जो आपकी फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, एच मैक्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है यू स्क्वायर बाय 2g. अब यहाँ पे अगर आपकी सेम वेलोसिटी से फेंका है, जी का फ़र्क है, तो आप ये कह सकते हैं कि एच बी जो है वो और डिवाइडेड बाई एच ए u सेम है, विल बी प्रोपोर्शनल टू, ये आ जाएगा आपका g के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू जी ए डिवाइडेड बाय जी बी. जी ए जो है वो हमें दिया हुआ 9 टाइम्स, सो ये हो जाएगा आपका 9:1 का ये रेशो आ जाएगा. और हमें बताना है हाइट ऑफ प्लैनेट बी पे, तो आपका एच बी जो है वो हो जाएगा 9 टाइम्स एच ए. एच ए की जो वैल्यू है वो अपने को 2 मीटर दे रखी है, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 2 यानी कि आपकी 18 मीटर. तो वो बंदा दूसरे प्लैनेट पे 18 मीटर जंप कर सकता है. सो बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर.